ऑनलाइन साथियों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी और आज हम लोग इस विद्यालय में आए हैं बाबू ब्रह्मानंद इंटरमीडिएट कॉलेज। हम लोग को विद्यालय के जो प्रबंधक सर हैं गुप्ता जी वो हमें आमंत्रित किए थे और बच्चों का कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। छोटे छोटे बच्चे हैं सब, उनका बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है तो कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। कॉलेज के बारे में हम आपको बता दें, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। इस विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता मिल चुकी है। अभी विद्यालय का छात्र तक चल रहा था, हाई स्कूल भी इसमें संचालित होने गया है और बहुत ही बेहतरीन इसका प्रांगण है। और चलते हैं आपको और दिखाते हैं इस विद्यालय के बच्चों का जो भी कार्यक्रम है, आइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत वीरों की, वंदे वंदे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, भारत माता की, भारत माता की। अरे बिटवा ये क्या करत हो? बाबू जी पढ़ाई करत हैं। पढ़ाई करत हो? वहाँ खेतवा में काम कर, तुम्हारा बाप करेगा। भाग यहाँ से, भाग। ऐसे पढ़ा था जैसे पढ़ के कलेक्टर बन जाएंगे। शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस महान पर्व गणतंत्र दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज हम 75वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से आज तक सभी भारतीय हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि भारत को आजादी अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन कोई राष्ट्रीय संविधान नहीं था। काफी विचार विमर्श के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका काम भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था और उसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और इसे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अपने भाषण के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और हम सभी को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि अपना देश और बेहतर बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने।